हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मटन करी। इसके लिए हमें चाहिए होगा 6 से 7 प्याज स्लाइस कटे हुए, 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 बड़ा चम्मच जीरा, 4 से 5 लौंग और छोटी इलायची, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा। अब हम एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में हम 3 बड़े चम्मच तेल के डाल देंगे। यहाँ मैं सरसों का तेल यूज कर रही हूँ। तेल जब गर्म हो जाए तो इसमें हम तेज पत्ता डाल के इसे चला लेंगे। अब इसमें हम लौंग इलायची डाल देंगे, फिर इसमें हम जीरा डाल के इसे अच्छे से चला लेंगे। अब हम इसमें दालचीनी का टुकड़ा और प्याज डाल के इसे अच्छे से 2 मिनट तक पका लेंगे। 2 मिनट के बाद हम इसमें नमक स्वाद के अनुसार डाल देंगे, जिससे हमारा प्याज जल्दी भून जाएगा। फिर इसमें हम साबुत लाल मिर्च 4 से 5 डाल के इसे अच्छे से चला लेंगे। यहाँ मैंने 1 kg मटन लिया हुआ है। फिर इसे हम प्याज के साथ कम से कम 5 से 10 मिनट तक भूनेंगे। इसे हम ढककर भूनेंगे। 5 से 10 मिनट के बाद ये देखिए फ्रेंड्स, मटन हमारा थोड़ा सा वाइटिश हो गया। तब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच से भी कम लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि मैंने यहाँ साबुत लाल मिर्च डाला हुआ है। फिर इस डाल के इसे अच्छे से चला लेंगे। इसमें मैंने कोई एक्स्ट्रा पानी यूज नहीं करना है फ्रेंड्स। इसे 5 से 10 मिनट ढक के पकाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने पानी का कोई यूज नहीं किया था अलग से। प्याज ने अपना पानी खुद से छोड़ दिया है। अब हम इसमें धनिया पाउडर 1 बड़ा चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1/2 छोटी चम्मच, जीरा पाउडर 1/2 छोटी चम्मच डाल के इसे अच्छे से चला लेंगे। अब हम इसमें काश्मीरी लाल मिर्च 1 बड़ा चम्मच डाल देंगे, ताकि हमारे मटन का कलर बहुत अच्छा आएगा फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें 1/2 ग्लास पानी डालेंगे और इसे 5 से 10 मिनट के लिए ढक कर कम आंच पे पका लेंगे, या जब तक ये अच्छे से गल ना जाए तब तक इसे हम पकाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें अपना सीक्रेट मसाला, जो कि जीरा पाउडर भुना हुआ है मेरे पास, और मीट मसाला, दोनों को मिला के मैंने 1 चम्मच डाला हुआ है फ्रेंड्स। अब देखिए इसका मटन का कलर कितना अच्छा आया फ्रेंड्स। ये मटन हमारा अच्छे से पक चुका है फ्रेंड्स। अब इसमें हम गरम मसाला पाउडर 1 बड़ा चम्मच डाल के इसे अच्छे से चला लेंगे। थिकनेस हम ग्रेवी का अपने हिसाब से रख सकते हैं। ये हमारा मटन करी बनके तैयार है फ्रेंड्स। सिंपल एंड ईजी रेसिपी है फ्रेंड्स। आप भी बनाइए और मुझे बताइए आपको कैसा लगा।